तो ये है वन प्लस 8 प्रो जो कि रन हो रहा है एंड्रॉयड 13.1 पे। तो आज हम लोग इस पे एंड्रॉयड 14 को फ्लैश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें पोर्ट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा जो कि लॉक्ड है। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर अबाउट डिवाइस, उसके बाद वर्जन। वर्जन में आपको बूट नंबर मिलेगा, बूट नंबर को 5 times क्लिक करेंगे जिससे हमारा डेवलपर वर्जन अनलॉक हो जाएगा। ये डेवलपर मोड क्या करता है कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स को अनलॉक कर देता है। फिर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको डेवलपर मोड का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक USB डिबगिंग का ऑप्शन देगा, उसको भी इनेबल कर लेंगे। USB डिबगिंग क्या करता है कि हमारे फ़ोन और PC के बीच में एक सेंडर और रिसीवर का काम करता है। उसके बाद हम लोग अपने PC पे चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग का फ़ोन का बूटलोडर को अनलॉक करना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म टूल सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट CMD फॉर ओपन कमांड टर्मिनल, कनेक्ट योर फोन टू योर PC। राइट कमांड ADB डिवाइसेस, यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसको आप लोग अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने के बाद वापस से सेम कमांड डालेंगे ADB डिवाइसेस। यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिवाइस अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड ADB रिबूट बूट लोडर, ये कमांड आपके डिवाइस को बूट लोडर में ले जाएगा। अभी बूट लोडर लॉक्ड है, उसको अनलॉक करने के लिए एक और कमांड डालेंगे, फास्ट बूट OEM अनलॉकिंग। इसमें आपको अनलॉक बूट लोडर को सिलेक्ट करना है। इस प्रोसेस में आपका जितना भी फोन का डाटा होगा सब फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद आपका फोन रिस्टार्ट लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका फोन रिस्टार्ट लेने में। यहाँ पे वापस से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं OEM अनलॉकिंग हाइड हो चुका है, इसका मतलब आपका बूट लोडर अनलॉक हो गया है। इसके बाद अपने PC पे चले जाएंगे जहां से कुछ फाइल्स हमने डाउनलोड करना है। टाइप करेंगे एविलेशन X, फर्स्ट साइट इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन का ऑप्शन दे रहा है, मेरा वन प्लस 8 प्रो है, आपका जो भी फ़ोन होगा उसका फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको समझ में ना आया तो यहाँ भी प्रोसेस दिया हुआ है डाउनलोड का, यहाँ पे यहाँ से भी पढ़कर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यह तीनों लिंक से फाइल डाउनलोड करना है जो कि एंड्रॉयड 14 का है। वापस से देख लेंगे आपका सारा फाइल डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। इसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करेंगे, राइट CMD फॉर ओपन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन होने के बाद सबको रीअरेंज कर लेंगे।
अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करने के बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे कमांड लिखेंगे एडीवी डिवाइसेस। यहाँ आपका फ़ोन पीसी से कनेक्ट हो चुका है, फिर लिखेंगे एडीवी रिबूट बूटलोडर। इससे आपका फ़ोन रिबूट लेगा फास्ट बूट मोड में। फिर लिखेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। इसका मार से पता चलेगा कि आपका फ़ोन पीसी से कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश वीवी मेटा और ये वीवी मेटा वाला फाइल को यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी और ये रिकवरी वाला फाइल को पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग रिकवरी मोड में बूट करेंगे। वॉल्यूम बटन फॉर अप एंड डाउन एंड पावर बटन फॉर ओके। फिर यहाँ पे फोन रिबूट लेगा रिकवरी मोड में जाने के लिए। फिर यहाँ पे अप्लाई अपडेट का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर कमांड लिखेंगे एडीवी साइड लोड और ये जिप फाइल को इसमें पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लास्ट आपको अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका फोन क्रैश हो सकता है, इससे आपका अनवांटेड फाइल डिलीट हो जाएगा फोन का। सो यहाँ आपका एंड्रॉइड 14 इंस्टॉल हो चुका है। Thank you.